यूपी के रामपुर में नशे की लत को पूरी करने के लिए जिले के थाना शहजाद नगर में रिजवान उस्ताद 3 साल के मासूम अफान रजा का अपहरण कर लेता है। रिजवान उस्ताद मासूम अफान रजा के घर आता जाता था। बताया जा रहा है कि नशे की लत पूरी करने को लेकर रिजवान ने मासूम का अपहरण कर फोन पर 50,000 की मांग करी। फिरौती न मिलने पर रिजवान उस्ताद मासूम की हत्या कर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले चुकी है और जांच में भी जुटी है। तो वहीं दूसरी ओर मासूम अफान रजा की हत्या की खबर सुनकर परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई है। कल 20 फरवरी की देर शाम को थानाध्यक्ष शहजाद नगर को जानकारी हुई कि उसके थाना क्षेत्र के बड़ा खास गाँव से साका हुसैन पुत्र अहमद हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र गायब है। इस पर थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव में जाकर जानकारी की गई, पूछताछ की गई और ये घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि साका हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र शाम 3 बजे से गायब है, जिसे रिजवान का 7 वर्षीय पुत्र बुलाकर ले गया था। साका द्वारा बताया गया कि उसे शक है कि उसके पुत्र का अपहरण रिजवान द्वारा किया गया है और रिजवान मेरा पड़ोसी है और मेरा दूर का रिश्तेदार भी। साकाब द्वारा बताया गया कि रिजवान कई दिन से ये कह रहा था कि उसे इकबाल के पुत्र का अपहरण करना है और इसमें वो उसकी मदद करें। मैंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और मुझे लगता है कि मेरे पुत्र का अपहरण इसी कारण रिजवान ने किया है। रिजवान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर रिजवान द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ही अपहरण किया गया है और सबको गांव के पास में मिट्टी में दबा दिया गया है। रिजवान की निशानदेही पर सबको बरामद कर लिया गया है, मुकदमा लिख लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रिजवान द्वारा पूछताछ पर साकाब की बातों का समर्थन किया गया। उसने बताया कि उसका उद्देश्य इकबाल के बच्चे का अपहरण करना था, जिसमें साकाब ने उसकी मदद नहीं की और इसी गुस्से में आकर उसने साकाब के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी।